नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति ये चाहता है कि दुनिया में उसका नाम हो, इज्जत हो, उसके पास पैसे आए जिससे उसके लाइफ में सुकून आए, खुशियां आए। पैसे आने से जरूरी नहीं कि सुकून मिलता है, शांति मिलती है, हाँ खुशियां जरूर आ जाती है, क्योंकि आपके जो सपने हैं वो सच होने लग जाते हैं, है ना दोस्तों। दुनिया में आपका यदि आप चाहते हैं कि नाम बढ़े, दुनिया में आप छा जाएं, आपका नाम रोशन हो, तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपके ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा बरसे। जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा बरसती है, दुनिया में उसका नाम होता है, ठीक है, हर जगह। वो जहां भी आगे बढ़ता है वहां उसे सफलता मिलती है। जिस भी व्यक्ति का सूर्य कमजोर है, उस व्यक्ति को जगह जगह लांछन लगने लग जाते हैं, कहीं पर भी उसे प्रसिद्धि नहीं मिलती। यूं कहो कि यश के बदले हर जगह उसे अपयश ही मिलेगा। सूर्य क्रूर ग्रह है, यदि सूर्य आपको परेशान करने लग गए तो आपका नाम और निशान मिटा देते हैं, आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। सूर्य को प्रसन्न करने के ढेरों उपाय मैंने पहले भी अपलोड कर रखे हैं, आज फिर एक आपको बढ़िया सा उपाय बताने के लिए जा रही हूँ। इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं, जो भी दिन आपके लिए लकी हो। कोई भी दिन यदि आप डिसाइड ना कर पा रहे हो तो फिर आप इसको संडे से करें, ठीक है, रविवार के दिन से आप इसकी शुरुआत करें। कंटिन्यू आप इस उपाय को करना शुरू कर दें, रोज आप इसको करें, रिजल्ट दोस्तों आप देख करके सच में दंग रह जाएंगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। वीडियो शुरू करो उसके पहले आप सबको अलर्ट कर दूं कि काफी फ्रॉड लोग मेरे चैनल पर घुस गए हैं, मेरे ही आईडी बना करके वे लोग अपना नंबर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे काफी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को लूट रहे हैं। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पड़े हुए किसी भी नंबर का आप कॉन्टेक्ट ना करें। मेरा ओरिजिनल जो नंबर है वो वीडियो के अंदर ही आता है। आपको यदि मुझसे बात करनी है, मेरा कॉन्टेक्ट करना है, तो आप उसी नंबर को डायल करें, ठीक है दोस्तों। आपको क्या करना है मैं आपको पहले बता दूं कि सूर्यदेव और छाया की पुत्री थी भद्रा, ठीक है, भद्रा जिनका विवाह हुआ था कुबेर से। भद्रा कुबेर की पत्नी है, सूर्यदेव की पुत्री है। भद्रा का नाम मात्र लेने से भगवान सूर्यदेव भी प्रसन्न होते हैं, भद्रा का नाम मात्र लेने से कुबेर भी प्रसन्न हो जाते हैं, बराबर। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आप देखना किसी भी माता पिता के सामने उसके संतान का नाम लिया जाए, पति के सामने पत्नी का नाम लिया जाए, तुरंत ही उसका ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा। यदि आप चाहते हैं भगवान सूर्यदेव का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो, कुबेर का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित हो, आपके ऊपर लक्ष्मी बरस पड़े, तो ये बहुत छोटा सा उपाय है कर लेने के लायक है। फिर से रिपीट कर दूं, किसी भी दिन से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जो भी दिन आपके लिए लकी हो। यदि आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे लिए कौन सा दिन लकी है, तो फिर आप इसकी शुरुआत संडे से कर सकते हैं, रविवार के दिन से कर सकते हैं, क्योंकि रविवार भगवान सूर्यदेव का वार है। जिनके आप शुक्र अच्छा है या जिनके लिए शुक्रवार लकी डे है, वे लोग शुक्रवार से भी इसकी शुरुआत करें, शुक्रवार भी इसके लिए बहुत लकी साबित होगा। आपको क्या करना है, सूर्यदेव को जो आप जल अर्पित करते हैं उस समय आप सूर्यदेव को घी का दिया भी लगाएं, जल अर्पित करें, और दो काली मिर्च आप अपने हाथ में रखें। जब आप जल अर्पित कर दें, दिए से सूर्यदेव की आरती उतार लें, उसके बाद में आपको बोलना है ओम भद्राय नमः। एक बार बोलना है ओम भद्राय नमः, उसके बाद आपको सात बार बोलना है भद्रा 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 भद्रा, और उस दोनों काली मिर्च को आपको सूर्य देव की तरफ उछाल देना है। उछालना ऐसे है कि वो आपके सामने ही नीचे आकर के गिरे, यहाँ वहां ना हो जाए, ठीक है। और उसके बाद में आपको प्रार्थना करनी है कि हे भगवान सूर्य देव, हे कुबेर देव, जैसे आप
भद्रा के ऊपर प्रसन्न हुए हैं, मुझको मेरे ऊपर भी प्रसन्न हो, मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं और ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी मुझ पर बरस पड़े और आपको प्रसाद के स्वरूप में वो दोनों ही काली मिर्च आपको उठा लेनी है, उठा करके अपने मुंह में रख लेनी है। रख करके जो लोग चबा सकते हैं उसे अवश्य ही आप चबा लें। चबाने के बाद आप उसे उत्तर दिशा की तरफ थूक दें। जितना ज्यादा देर आप उसे मुंह में रख सकते हैं उतनी ज्यादा देर, यदि आप दिन भर उसको मुंह में रख सकते हैं दोनों ही काली मिर्च को, तो आप उसे मुंह में रखें और शाम के समय आप उसे थूक दें। ठीक है, चबा करके ही आपको उसे थूक देना है। रेगुलर आप इस क्रिया को करना शुरू करें, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको आपका नाम भी फैलेगा चारों तरफ, मतलब कि आपकी ख्याति होगी, कुख्याति नहीं, और लक्ष्मी आपके ऊपर बरस पड़ेगी, दुनिया आपके गुणगान गाएगी। इतना बढ़िया ये उपाय है कर लेने के लिए, करके देखिए। ये सब कुछ करने में कोई तकलीफ पड़ती हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। यदि दोस्तों कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो आपकी लाइफ में जिसका आप डिस्कस करना चाहते हैं मेरे साथ, जिस तकलीफ का आप सॉल्यूशन चाहते हैं, तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। जरूरत लगती है तो कॉल करके पूछे, ठीक है। जिस भी तरीके से मैं आपको उत्तर दे सकती हूँ अवश्य देने की कोशिश करूँ। तो उपाय करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।